परिवार का मालिक वो होता है जो परिवार के सब सदस्यों के सुख दुख का ध्यान रखता है, किसी की उपेक्षा करे, किसी का पक्षपात करे, तो वो परिवार का मालिक होने योग्य नहीं है, उसको हटा देना चाहिए। ऐसे देश का शासक वो होता है जो देश की सारी प्रजा का ध्यान रखे, किसी का पक्षपात न करे, किसी की उपेक्षा न करे, किसी के प्रति निर्दयता बर्बरता का बर्ताव न करे, वो देश का शासक होता है। ईश्वर वो होता है जो सब जीवों का भला करे, जिसमें पक्षपात है, उपेक्षा है, क्रूरता है, वो ईश्वर नहीं हो सकता। वेदांतियों ने ईश्वर का एक बड़ा बढ़िया लक्षण, लक्षण माने पहचान, लक्षण शब्द संस्कृत में है लखाना, जिससे लखना, लखाना जिससे बनता है लक्षण, बहुत बढ़िया लक्षण। रानी, बेटा, मंत्री, सेनापति, किला, खजाना, इनसे संतृप्त न हो गए, माने वे राजा को दबाव में डालकर कोई पक्षपात न करा सकें। हमारा खजाना कम हो जाएगा, रानी नाराज हो जाएगी, बेटा नाराज हो जाएगा, मंत्री नाराज हो जाएगा, कोषाध्यक्ष नाराज हो जाएगा, पंडित पुरोहित नाराज हो जाएंगे, नहीं। जो अपने सप्तांग से अप्रभावित रहकर शासन करता है वो राजा होता है, वही राजा की उपाधि है। तो ईश्वर की उपाधि क्या है? माया महारानी है, यहाँ तक कि उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश है। ईश्वर अपनी किसी उपाधि से संतृष्ट नहीं होता, उसको दबाव में डाल के उससे कोई काम नहीं करा सकता। उपाधियां बदलती रहती हैं और वो ज्यों का त्यों रहता है। तो जो ईश्वर उपाधि संतृष्टत्व, यही उनका लक्षण है, उपाधि से संतृष्ट न होना, उनके साथ इतना तादात्म्य नहीं कर लेना, इतना नहीं मिल जाना कि वे अपने पक्षपात और अन्याय को परमेश्वर के ऊपर लाते हैं, यही ईश्वर का लक्षण है। तब तो वो मालिक है और नहीं तो वो पराधीन है, और जो पराधीन होता है वो ईश्वर नहीं होता है। और ईश्वर की ये चर्चा इसलिए कि थोड़ा थोड़ा ईश्वर को सब में रहता है, कम से कम हमारे भक्त लोग तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी मानते हैं। तो अपनी जाति, अपना संप्रदाय, अपना वर्ग, अपना वर्ण, अपना आश्रम, अपने पुत्र, पौत्र, पत्नी, भाई, इस जीव को धर्म से विचलित न कर सकें, तब तो ये ईश्वर काम करे। और यदि किसी के प्रभाव में आकर के ये धर्म से, न्याय से विचलित हो गया, तो ईश्वरांशत्व की हानि हुई, जिसने ईश्वर को बदनाम किया। तो अच्छा, ये बात अलग, इसको अपनी आंख से, जीभ से, कान से, नाक से भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। हाँ, ये भी इसके सप्तांग ही हैं, अंग है ना, जीव के अंग है। तो जो लोग कान के रोगी हो जाते हैं कि अपनी तारीफ ही तारीफ सुने, उनको तारीफ करने वाले नचाने लगते हैं, और जो आंख के रोगी हो जाते हैं उनके सामने सुंदर दृश्य दिखा दिखा के लोग उसको अपने काबू में कर लेते हैं। ऐसे जो लोग जीभ के रोगी होते हैं तो उनको बढ़िया बढ़िया भोजन करा के काबू में कर लिया जाता है। तो जीभ शरीर में रहने वाला जीव वो है जो सप्तांग से प्रभावित नहीं होता, पराधीनता नहीं होनी चाहिए कि ये खाए बिना हम नहीं रह सकते, ये देखे बिना हम नहीं रह सकते, ये छुए बिना हम नहीं रह सकते, ये सुने बिना नहीं रह सकते। वो तो वैसा राजा हो गया जो रानी के कहने से सब काम करे, या जो केवल अपने जो मुसाहिब लोग हैं, अनुजाई हैं, अनुचर हैं, उनके कहे अनुसार सब काम करता है। तो जीव में फिर ईश्वरांशता जो है वो दब जाती है यदि वो सप्तांग के अधीन हो गए। सारी दुनिया का ईश्वर नहीं है तो क्या अपने साढ़े तीन हाथ का ईश्वर तो होना चाहिए ना? ये अब यहाँ से देखो, धर्म व्यवस्था प्रारंभ होती है। आप अपने शरीर के राजा बने, अपने कान के राजा, आंख के राजा, नाक के राजा, जीभ के राजा। ये नहीं कि आप कुछ बोलना न चाहते हो और जीभ कुछ का कुछ बोल जाए,
आप गुरु के गुलाम हो गए। तो इसमें केवल इंद्रियों की बात नहीं है, मन की भी बात है, मनोवृत्ति की। इंद्रियाणाम विचरता यन मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाव निवामयति। तो आगे चली इंद्रियां। आंख ने कहा कि ये साड़ी तो बहुत बढ़िया है, आप बाजार में जाएं तो योजना बना के जाएं कि हमको ये चीज खरीदनी है, कागज पर लिख लें, और बाजार में कोई चीज बढ़िया लग जाए तो उसको नहीं खरीदें। बिल्कुल, इस महीने में इतनी आमदनी होनी है, उसमें से इतना खर्च करना है, उस खर्च में से इतना इतना इस काम में लगाना है, ये लेना आवश्यक है, योजनाबद्ध। और ये नहीं कि किसी की साड़ी बढ़िया देखी बोले हम भी ऐसी खरीदेंगे। अरे भाई तेरे घर में तो 100 साड़ी रखी है, बोले नहीं वो हमको पसंद नहीं है। तो ये जो आंख बताई हुई साड़ी खरीदना है, इसमें आंख हो गई राजा और मन हो गया उसका गुलाम, और मन के पीछे बुद्धि चली तो वो बुद्धि हो गई दासी, और आप हो गए बिल्कुल चपरासी हो गए। नहीं, एक से किसी ने पूछा कि आप ऑफिस में क्या काम करते हैं, पूछा क्या काम करते हो, बोले ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिसम ऑफिस के थे जत्रा, जहाँ पीसना पड़े चाहे कलम से पीसना पड़े चाहे, है ना। तो ये शब्द बनता है ना, पेशा पिस्त, जहाँ पीसना पड़े। तो ऑफिस, बोले आप क्या काम करते हैं, बोले ऑफिस में काम करते हैं। का क्या काम करते हैं, का हम ही काम करते हैं और बाकी लोग तो बस हुक्म चलाते हैं और सुनते हैं। तो मतलब क्या हुआ, झाड़ू लगाने का काम, रजिस्टर लाने का काम, पानी पिलाने का काम, हम तो क्रियात्मक अनुष्ठान करते हैं और बाकी लोग तो केवल जवानी जमा खर्च करते हैं। तो मतलब ये है कि चपरासी हो गए, आग गई आगे, मन गया उसके पीछे, बुद्धि गई उसके पीछे, और आप गुलाम हो गए गुलाम। तो धर्म का अर्थ कहाँ है, जहाँ आपकी आवश्यकता और बुद्धि का विवेक और विवेक के अनुसार प्रियता और प्रियता के अनुसार इंद्रियों की प्रवृत्ति और सोच विचार कर जहाँ हम वस्तु का संग्रह ग्रहण करते हैं वहाँ धर्म होता है। जो भीतर से आवश्यक होता है वो धर्म होता है, और जो बाहर देख करके जो मांग भीतर घुसती है वो तो ऐसे ही है। एक घर में मैं अभी ठहरा हुआ था, तो एक लड़की स्कूटर पर अपना बचत रख के उसके दरवाजे पर आई थी दूसरे काम से। वो और उन्होंने कहा नहीं नहीं दरवाजा बंद करो, घर में नहीं आवेगी, क्योंकि ये लोग जब ये घर में घुस जाते हैं तो इतना माल दिखाते हैं, इतना सामान दिखाते हैं, और कुछ लिए बिना पिंड नहीं छोड़ते हैं, घंटों खराब कर देंगे, लेकिन जब तक 5-10 रुपए का इनसे सौदा खरीदा न खरीदो तब तक इस घर में से निकलते नहीं। तो उन्होंने कहा बाबा वो लड़कियां सौदा बेचने आती हैं बड़े बड़े शहरों में। तो ये जो बाहर से चीजें भीतर घुसती हैं ये हमको बहुत परेशान करती हैं। आप कोई काम करते हैं तो उसके मूल में कोई बुद्धि है कि नहीं, विचार है कि नहीं। यदि आप विचार पूर्वक बुद्धि पूर्वक क्रिया में प्रवृत्त नहीं होते हैं, केवल बाहरी सौंदर्य को देख करके प्रवृत्त हो जाते हैं, तो दुख प्राप्त होगा। मिथ्या ज्ञान से जीवन में दुख आते हैं, ये क्रम है। आपकी बुद्धि में भ्रम होगा तब आपके जीवन में दोष आएंगे, दोष मिथ्या ज्ञान से दोष आते हैं, राग द्वेष, और दोष से तीव्र प्रवृत्ति होती है, वासना बड़ी प्रबल होती है तब तीव्र प्रवृत्ति होती है, और तीव्र प्रवृत्ति होने पर हम मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, और जब मर्यादा का उल्लंघन करते हैं तब दुख होता है। दुख को वैसे हमारे घर में घुसने की इजाजत नहीं है, लेकिन जब हम वासना के वशीभूत होकर के किसी कर्म में अविवेक पूर्वक प्रवृत्त होते हैं तब दुख आता है। तो इसी से हमारे महात्मा लोग बताते हैं कि शरीर से सेवा हो, इंद्रियों में संयम हो, और मन में निर्वासनता हो, बुद्धि में विवेक हो, और अहम में निरहम हो, अहंकार का व्यवहार सब हो पर उसमें अहम भाव नहीं हो। और अहंकार के त्याग में भी बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। एक जगह सत्संग होता है, एक भगत जी आते हैं, तो वो महाराज दरी पर तो बैठते ही नहीं है, कहते हैं
सत्संग में आके आसन पर बैठेंगे, जूते के पास बैठते हैं, जहाँ सब लोगों का जूता है वहाँ बैठ, और बाद में वो अपने मन में सोचते हैं कि ये सब दरी पर बैठने वाले, कालीन पर बैठने वाले और ये तख्ते पर बैठने वाले बच्चा, ये सारे सब अभिमानी हैं, एक निराभिमान तो मैं ही हूँ, मैं कैसा निराभिमान हूँ। तो निराभिमानता का भी अभिमान होता है ना, तो मैं निराभिमान हूँ ये भी एक अभिमान का सूक्ष्म रूप है। तो जो अपने अभिमान को झुका नहीं सकता, आपको देखो बिल्कुल व्यावहारिक बात बताता हूँ, यदि आप अपने बड़े बूढ़ों के सामने, माता पिता, पितामह प्रपितामह, पितरों के सामने अपने अभिमान को झुकाएंगे तो आपके वंश संस्कृति बनी रहेगी, और यदि ऋषियों के सामने सिर को झुकाएंगे तो आपकी ज्ञान परंपरा वासना के अधीन नहीं होगी, और यदि सूर्य आदि देवताओं के सामने अपने सिर को झुकाएंगे तो आपकी इंद्रियों की शक्ति बनी रहेगी। इंद्रिय शक्ति के लिए देवाराधन होता है, और बुद्धि के संरक्षण के लिए ऋषि आराधन होता है, और वंश संस्कृति, वंश परंपरा की, वंश चलता रहे, संस्कृति बनी रहे, धर्म बनी रहे, पितरों की कृपा से वंश चलता है, ऋषियों की कृपा से ज्ञान बढ़ता है, देवताओं की कृपा से इंद्रियों में शक्ति बनी रहती है, और अवतारों की कृपा से हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, क्योंकि वे नारायण के अवतार हैं, ईश्वर हैं, जब वो अवतीर्ण होते हैं, उतर के हमारी बुद्धि में आते हैं तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, और जब ईश्वर स्वयं प्रकट होता है तब हमारा जीवत्व शुद्ध हो जाता है। जीवत्व की शुद्धि के लिए ईश्वर का अवतरण प्राकट्य आवश्यक है, और अंतःकरण की शुद्धि के लिए अवतार का आना आवश्यक है। ये हमारी उपासना की परंपरा है, प्रणाली है। अब तो लोग सनातन धर्म की बात सुनना जरा पसंद नहीं करते हैं, इसलिए नहीं बोलते हैं, नहीं तो हमको पहले, हम वैसे बात जानते ही हैं, हमको उत्तर पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, भागवत उपनिषद आदि का स्वाध्याय करते हैं, परंतु एक पुरानी बात आपको सुनाते हैं, अभिमान बताने के लिए नहीं। हनुमान प्रसाद जी हमसे कहा करते थे जब हम कल्याण के संपादन में थे 41 से पहले, तो वो कहा करते थे कि धर्म के बारे में आप कुछ लिखा जाइए, नहीं तो हमारी अगली पीढ़ी को धर्म का ये रहस्य अज्ञात रह जाए, ऐसा वो हमको बोला करते थे। परंतु धर्म में हमारी, धर्म निरूपण में उतनी रुचि थी, हमारी रुचि तो भगवत भक्ति में, तत्व ज्ञान में प्रारंभ से ही रही, तो हम तो गोपी प्रेम पर प्रवचन करते थे और अद्वैत वेदांत पर प्रवचन करते थे, धर्म पर करते ही नहीं थे, पर वो हमको उन दिनों में ऐसे कहा करते थे कि आप लोगों को इसलिए सुनाई कि जो बात मैं धर्म के बारे में कह रहा हूँ उस पर आप ध्यान दीजिए। वो उनकी महिमा सुनाई कि वे हमको ऐसी प्रेरणा देते थे। आप देखो मनुष्य के जीवन में पवित्रता तीन तरह से आती है, एक तो रज वीर्य शुद्ध हो, क्या आप विचार से उत्पन्न संतान को ब्रह्मचारी देखने की आशा रखते हैं? विचार से उत्पन्न संतान ब्रह्मचारी नहीं हो सकते। तो रज और वीर्य की जो पवित्रता है वो हमारे जीवन की आदि भौतिक शुद्धि है, एक बात है। और जब हम गायत्री की दीक्षा लेकर, देवता की उपासना की दीक्षा लेकर, देवताओं की आराधना करते हैं, ये सूर्य आजान देवता है, वो आजान माने जन्म सिद्ध देवता है, अध्या संवृता पृथिव्या रसाच विश्वकर्मण, ये पूर्व कल्प में जो पृथ्वी जल अग्नि का रस था वो इकट्ठा हुआ और उसका रस मूर्त होकर के सूर्य के रूप में बना और उसमें परमात्मा ने प्रवेश किया, ये सूर्य जन्म से देवता है। सब श्रेयान भवति जायमान, यदि आप आराधना करेंगे देवताओं की तो आपकी आदिदैविक शुद्धि होगी, और जब तम दम मन की शांति, इंद्रियों का दमन, सद्गुणों को धारण करेंगे तब आपकी आध्यात्मिक शुद्धि होगी।
तो आदि भौतिक शुद्धि होती है वंश परंपरा की शुद्धि से, आदि दैविक शुद्धि होती है देवता की, सूर्य आदि देवता की उपासना से, और आध्यात्मिक शुद्धि होती है शांति बांति आदि सद्गुणों के धारण से। जब ये तीनों प्रकार की पवित्रता अपने अंदर आती है तब हम परम पवित्र अविद्या माया आदि के कलंक पंक से सर्वथा शून्य जो परमात्मा है उसके साथ एक होने के योग्य हो जाते हैं। ये हमारी पुरानी पद्धति धर्म की बात आपको सुनाई, ये धर्म की बात है। अच्छा, धर्म की एक आध बात और सुना देते हैं। ये सृष्टि में कहीं नहीं है वो, है ना। आपको दूध रखना होता है घर में तो साफ बर्तन में रखते हैं ना, दूध उध हो तो कम से कम धो नहीं देते हैं तो पोंछ तो देते हैं ना। अच्छा, और ऐसे बर्तन में तो मट्ठा नहीं रखते हैं ना जिसमें वो जहर हो जाए, पीतल के बर्तन में मट्ठा नहीं रखते। तो पात्र की धातु का भी विचार होता है और उसकी निर्मलता का भी विचार होता है वस्तु रखने के लिए। अच्छा, आपको कोई खेती करनी हो तो जमीन का विचार करते हैं कि नहीं, ये करेली मिट्टी है कि ये बलसुंदरी मिट्टी है, बालू प्रधान मिट्टी है कि चिपकन प्रधान मिट्टी है, इसका विचार करके उसमें क्या बोना चाहिए ये निश्चय करते हैं। अच्छा, तो ये जो संतानोत्पादन की क्रिया है ये स्त्री है आधार की, और पुरुष उसमें बीज का स्थापन करता है बीज। तो कैसे खेत में इस बीज का बपन किया जा रहा है और वो शुद्ध है कि अशुद्ध है इसका क्या आप ख्याल करते हैं? तो नारायण, फिर तो जो अंकुर पैदा होगा उस पर बीज का तो प्रभाव पड़ेगा ही, मिट्टी का भी खेत का भी तो प्रभाव पड़ेगा ना। तो इसके लिए गर्भाधान नाम का संस्कार होता है, गार्भिक और वैदिक। गार्भिकम वैदिकम चैतहा संस्कारेण व्यपोहति, गर्भाधान संस्कार होता है। अभी हमारे कई विद्वानों की परंपरा में होता है वो, लोग भूल गए। मैं एक दिन राजेश्वर शास्त्री के घर में गया, ऐसे मैं नाम यो देता हूँ कि उनके पिताजी पंडित लक्ष्मण शास्त्री द्राविड़ के पास भी मैं कभी कभी जाया करता था। तो उनके घर में गया तो शास्त्री जी के घर में बड़ा मंगल उत्सव हो रहा था, स्त्रियां गा रही थी, ब्राह्मण लोग पूजा पाठ करा रहे थे, बड़ा भारी उत्सव। मैं तो घर में पहुंच गया तो मैंने पूछा कि आज क्या निमित्त है उत्सव का? तो उन्होंने बताया आज हमारे यहाँ गर्भाधान संस्कार है, नई बहू आई है तो आज हमारे यहाँ गर्भाधान संस्कार है, इसलिए ब्राह्मण वेद मंत्र पढ़ रहे हैं, घर में पूजा हो रही है। अब देखो, उस संस्कार के साथ पिता का मन पवित्र होगा, माता का मन पवित्र होगा, और पवित्रता का संस्कार लेकर संतान आएगी, वो गर्भ से होगा। हमारा ही अभिप्राय है कि आप गर्भाधान संस्कार करें कि न करें, लेकिन उसकी जो अच्छाई है वो आपकी समझ में आवे और हमारी परंपरा में ऐसा क्यों होता था उस पर ध्यान जाए। तो शुद्ध गर्भ में जो बीज बपन होता है उससे उत्तम संतान का जन्म होता है। अच्छा, आप देखो, एक श्रीमंतोन्नयन संस्कार होता है, एक श्रीमंतोन्नयन संस्कार होता है। सब संस्कारों का मैं रूप नहीं बताऊंगा। श्रीमंतोन्नयन संस्कार का अर्थ होता है कि पूजा पत्री देवताओं की करके पवित्र स्थान में पति जो है वो अपनी पत्नी का मान संवारता है अपने हाथ से। श्रीमन से माने वो मान हो, से इसका उन्नयन माने निकालना, बाल संवार के मान काटता है स्वयं पति। देखो, बात तो बहुत छोटी सी है, अपने पति की मान संवारता है पति, पर गर्भ में बच्चा रहते समय जब पति अपने पत्नी की मान संवारता है तो पत्नी के मन में ये आता है कि यदि मैं कभी अशक्त हो जाऊं संतान उत्पन्न करने में, बीमार पड़ जाऊं, असमर्थ हो जाऊं, तो हमारा पति हमको संभाल लेगा, वो हमसे बड़ा प्रेम करता है। क्योंकि जो पति के प्रेम के प्रति विश्वास, उसकी संभाल के प्रति विश्वास, उसके प्रति आस्था का जो जन्म होता है पत्नी के हृदय में, तृप्ति जो होती है उससे बालक तृप्त होकर के आता है, तृप्त बालक का जन्म होता है। और जो बेफिक्र कभी स्त्री से फिक्र हो गई गर्भावस्था में, पति ने पत्नी को रुला दिया,
उसको सीख दिया, उसको गाली दे दिया, उसको निकाल दिया, उसको खाने की चीज नहीं दी, तो वो जो अगली संतान या अगली पीढ़ी है वो किसी भी पैदा होगी, रेसिंग भी पैदा होगी, कैसे व्यक्त पैदा होगी। ये आपको नमूने के तौर पर ये हम लोग संस्कार उसको कहते हैं, इसका नाम सीधा कर्म होता है, बाल संवारना होता है, जात कर्म संस्कार होता है, नामकरण संस्कार होता है, ये सब संस्कार है। माने प्रकृति के विकार में जो चीज स्वयं नहीं आई है उसको संस्कार के द्वारा हम सामने वाले में आधान करते हैं। ये जो लोग कहते हैं कि जैसा पैदा हुआ है वैसा रहने दो, तो वो तो बच्चे का पसीना पोतना पसंद नहीं करेंगे, दाल काटना पसंद नहीं करेंगे। ये जो शिक्षा होती है, शिक्षा शिक्षा क्या है, शिक्षा माने बच्चे की बुद्धि में जो मैल बैठ रही है, कुछ नानी नाना के वंश की मैल है, कुछ दादा दादी के वंश का मैल है, कुछ पिता माता का मैल है, वो बैठ गया है। तो जो धीरे पर जो मैल बैठ गई है वो बेदौर हो गया है, उस विकार को दूर करने के लिए संस्कार करना पड़ता है, माटी छुड़ानी पड़ती है, जुटाई करके उसको बेदौर बेदौर करने को दूर करना पड़ता है, उसको साबित करके चमकाना पड़ता है।